सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारा दा। फिर तो एक बार स्वागत है मेरे एक नवे ब्लॉग च। डेट है अज 13 फरवरी 2021। ठीक है गाइस, तो अब हम जा रहे हैं बारबेक्यू नेशन। वैसे अपनी कल है वैलेंटाइंस डे 14 फरवरी। अपनी तो कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, हमारे सारे दोस्त भी छड़े ही हैं, है ना। तो खुद ही इंजॉय करने का सोचा है। तो आज हम जा रहे हैं संगरूर टू पटियाला बारबेक्यू नेशन, है ना। अभी सफ़र करेंगे शुरू। टाइम हो रहा है सुबह के 10 बजे। 12 बजे का हमारा टाइम है पटियाला जाने का। तो एक एक घंटा लगता है यहाँ संगरूर से। तो अभी कर रहे हैं अपनी जर्नी शुरू अभी। और आज करेंगे बारबेक्यू चैलेंज, देखते हैं हम कितना खा पाएंगे, है ना। बारबेक्यू का रेट पड़ रहा है हमको नॉन वेज का 650 पर हेड, एंड वेज का पड़ रहा है 609 पर हेड, है ना। तो बाकी सब अब खा के देखेंगे कि कितना कितना खा पाते हैं और क्या क्या मिलता है और कैसा स्वाद है। तो देखने पूरी वीडियो आगे तक देखते रहिए कि क्या क्या मिलेगा, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, सब शेयर करूंगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो गाइज फाइनली हमारा सफर हो चुका है पटियाला की ओर शुरू। तो गाइज हूँ आप फाइनली पहुंच चुके हैं पटियाला शहर। तो अब हम जा रहे हैं बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड पहुंच चुके हैं। अब बस स्टैंड से जा रहे हैं राजपुरा की तरफ, क्योंकि जो बीबीक्यू है वो राजपुरा हाईवे पे है, मेन रोड पे ही है, पंजाबी यूनिवर्सिटी के रास्ते में राजपुरा हाईवे पे। तो ये देख सकते हैं सामने, ये पटियाले का आ गया राजपुर हाईवे, और ये सामने आ गया बीबीक्यू अर्बन स्ट्रीट में। तो गाइज हूँ आप पहुँच चुके हैं बारबेक्यू नेशन। टाइम हो रहा है पूरे 12 बजे। हूँ जाके खावांगे तो एंजॉय करांगे। बस तो गाइज फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं बारबेक्यू नेशन 3rd फ्लोर पे। देख सकते हैं ये है ऐसी कुछ एंट्रेंस बारबेक्यू की। अब यहाँ पे हम कराएंगे अपनी एंट्री। हमने बुकिंग पहले ही ऑनलाइन करा दी थी, क्योंकि हमको ऑनलाइन डिस्काउंट मिल रहा था इसलिए ऑनलाइन करा दी थी। अभी एंट्री चेक कराएंगे और अंदर जाके खाएंगे। तो देख सकते हैं ऐसा कुछ अंदर से व्यू है, ऐसे सब टेबल्स लगे हुए हैं। अभी बिल्कुल खाली है क्योंकि 12 ही बजे हैं। सबसे पहले या दूसरे नंबर पे हम ही आए हैं। 12 बजे पूरे अभी शुरू होगा और धीरे धीरे भीड़ होनी शुरू होगी। पूरे टाइम पे पहुंच गए थे हम बारबेक्यू नेशन, और अभी बस 2 मिनट में खाना करेंगे शुरू। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो फाइनली अब हमारे स्टार्टर्स आने शुरू हो गए हैं, जिसमें आए हैं प्रॉन्स, चिकन टिक्का, तंदूरी चिकन, पनीर, क्योंकि हम एक वेज मंगाया है और 3 नॉन वेज मंगाए हैं। प्रॉन्स देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का, अच्छे से तंदूरी हुई, बहुत ही टेस्टी लग रहा है। ये सॉस है, ये 2 प्रकार की वाइट सॉस एंड रेड सॉस, और ये 4 प्लेट उन्होंने लगा दी हैं। और अब हम खाना करेंगे शुरू। ये हैं चिकन लेग विंग्स, बहुत अच्छा आया, टेस्टी, मतलब खाना है कि मज़ा आ रहा है खाने में। अच्छे से आप भी देखिए और खाते रहिए। मशरूम दिया था, पाइनएप्पल दिया था, और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री जो ड्रिंक है, आपको सभी को एक कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक फ्री है। और देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 1:30 बजे, तो कितनी भीड़ हो गई आसपास, पूरा भर चुका है। 1 बज रहा है, हमको ऑलमोस्ट 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है बैठे हुए। टाइम की कोई लिमिट नहीं है, आप 12 बजे से लेके 4 बजे तक बैठे रह सकते हैं, जब तक आपको बैठना है। अभी तो काफ़ी भीड़ हो गई है। और अब हम खाएंगे डेजर्ट्स, ठीक है। और ये मेन कोर्स की डिशेज़ हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मुर्ग, तीख मुर्ग, ये मेन कोर्स की डिशेज़ है। आप सारी ऑनलाइन देख सकते हैं, जब आप बुकिंग करेंगे आपको देखने को मिल जाएगी। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये है वाइट राइस, ये वेज डिशेज़ है, वेज मेन कोर्स जो आप भी ले सकते हैं। यहाँ पे पड़े हैं सारे सैलेड्स, अनियन, टमाटो, कर्ड, सब कुछ पड़ा है, मतलब जो भी सलाद में आता है आपको, जैसे शादियों में खाने को मिलता है वैसे ही सारा सलाद, वाइट पास्ता, पापड़। ये आइसक्रीम्स हैं जो आपके डेजर्ट्स में आएंगे, गुलाब जामुन, और ये आपके है कुल्फ़ी, ठीक है। ये 5 प्रकार की कुल्फ़ी हमने मिक्स कराई है, जो भी हम खा रहे हैं। वैसे तो सिंगल सिंगल मिलती है, लेकिन हमने सभी मिक्स करा ली। पान कुल्फ़ी, चॉकलेट कुल्फ़ी, मलाई कुल्फ़ी, केसर कुल्फी।
तो अब हमने मंगाया बर्थडे केक जो कि हमारी मील में ही इंक्लूडेड है, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बर्थडे और ये है डेजर्ट्स। गाइस हुण अपना खाना पीना हो चुका है, खाना पीना ख़त्म करके बहुत कुछ खाता, टाइम हो रहा है 3 बजे है ना, 3 घंटे से बैठे थे, 12 बजे आए थे, 3 बज रहे हैं और अब खाना पीना खा के जा रहे हैं वापस, अब करेंगे बिल पेमेंट। तेनू दिल नाल सदा लाके रखूंगा, खुशियां दूंगा, खरीदार हो गया, रोवेंगी मुकद्दरां नू हीरे। तो अब खा पी के हम निकल चुके हैं वापस, टाइम हो रहा है 3:30 बजे, तो हमने 12 से 3:30 बजे 3.5 घंटे वहाँ पे बिताए, अच्छे से खाया पिया सब कुछ, सब चीज़ों का एक एक बार टेस्ट कर लिया और बिल पेमेंट सबसे लास्ट में करी है कैश। आप चाहे तो कार्ड पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो गाइज फाइनली अब हम बारबेक्यू नेशन से आ चुके हैं घर पे वापस है ना, लेकिन यार बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। ठीक है, नॉन वेज बफेट हमको पड़ा 659 प्लस GST, तो मतलब टोटल पड़ा 700 रुपये, जिसमें से हमको 100 रुपीज़ ऑफ हो गए थे क्योंकि हमारा फर्स्ट ऑर्डर था थ्रू बारबेक्यू नेशन ऐप है ना, इस वजह से हमारे 100 रुपीज़ ऑफ हो गए थे, तो हमको नेट 600 रुपये का पड़ा। लेकिन अगर आप जाएंगे तो आपको नॉन वेज पड़ेगा 700 का और वेज पड़ेगा 650 का सैटरडे संडे को, बाकी दिन थोड़ा और सस्ता है। ठीक है, तो और उसके बाद यार मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस अच्छा, सारा खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, स्टार्टर्स बहुत अच्छे थे, उसके बाद मेन कोर्स, उसके बाद डेजर्ट्स, सब कुछ बहुत अच्छा था। और मेन बात यार उनकी सर्विस, दो बंदे थे पंकज और राहुल, दोनों की सर्विस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, हमको 1 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहे थे कुछ चीज़ को वेट करने के लिए, अगर किसी चीज़ में नमक कम लग रहा है, तीखा कम है या तीखा ज़्यादा है, उनको बोला तो 1 मिनट के अंदर अंदर वो उस चीज़ को रिप्लेस करके नया अच्छा और बेहतरीन ला रहे थे। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छी मनी टू वैल्यू वाली चीज़ है। अगर पटियाला जाओ तो बारबेक्यू नेशन ज़रूर जाओ, बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बाकी मैंने आपको दिखाया ही है जो जो खाया है, और जो क्वालिटी थी ना, क्वालिटी A1, टेस्टी A1, और उनको बर्थडे सेलिब्रेशन भी थी, बर्थडे था तो वो भी A1, तो मतलब बहुत अच्छा वैल्यू टू मनी चीज़ है। तो आप भी जाएं और अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें नीचे कमेंट में। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो, हमारी दी गई हो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, व्लॉग को लाइक करें और अच्छे अच्छे नीचे कमेंट करें। तो सी यू गाइज ऐसे ही किसी एक नए व्लॉग में अगली बार।